Social stratification. In every society, people differ from each other following various factors. हर एक सोसाइटी में कोई ना कोई व्यक्ति एक दूसरे से डिफर करता है. उसमें बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे एज की वजह से डिफर करेगा, सेक्स की वजह से डिफर करेगा, या कोई पर्सनल ट्रेट्स या फीचर्स होंगे उसके. हर सोसाइटी की तरह हमारी इंडियन सोसाइटी भी हेटरोजीनियस है इंस्टेड ऑफ होमोजीनियस. मतलब यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस आपको मिलेंगे. कल्चर के बेस पे लोगों का खान पान, रहन सहन, कपड़े पहनने का तरीका, बोलना, लैंग्वेज, रिलीजन, बहुत सारे डिफरेंसेस आपको हमारी इंडियन सोसाइटी में मिलेंगे. अपार्ट फ्रॉम द डिफरेंसेस, डेटा आर नेचुरल. पीपल डिफरेंशिएट करते हैं स्टेटस के बेस पे भी, पावर के बेस पे भी, इनकम, और इसके अलावा भी बहुत डिफरेंसेस है. तो इन सारे डिफरेंसेस को हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं या सोशल इनइक्वालिटी. इसी सारे डिफरेंसेस की वजह से सोशल इनइक्वालिटी का भी ओरिजिन होता है. डिफरेंसेस होना कोई गलत बात नहीं है, ये हर सोसाइटी में देखा जाता है. पर जब इन्हीं डिफरेंसेस के बेस पे एक सुपीरिटी और इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है सोसाइटी में, एक ऊंच नीच की भावना आ जाती है सोसाइटी में, तब ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक सोशल इनक्वालिटी का रूप ले लेता है, जो कि गलत है कि डिफरेंसेस के बेस पे आप भेदभाव कर रहे हो. हमारी जो इंडियन सोसाइटी है इसमें स्ट्रेटिफिकेशन को हम मेनली तीन टाइप्स में देखते हैं, कास्ट, क्लास एंड जेंडर. जो कास्ट के बेस पे होती है वो मेनली होती है ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास, और क्लास के बेस पे होती है अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास. जेंडर के बेस पे मेल, फीमेल एंड थर्ड जेंडर. स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी. लुकिंग एट द प्रीवियस डिस्कशन वी नो दैट दिस स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी. ये जो स्ट्रेटिफिकेशन इंडिया में एक फॉर्म से इनइक्वालिटी है. जो मेंबर्स हैं इंडियन सोसाइटी के वो अरेंज होते हैं कैटेगरीज में, जैसे सुपीरिटी, इन्फीरिटी और इक्वालिटी के बेस पे. कुछ अपने आप को ऊँचा मानते हैं, कुछ अपने आप को लोअर मानते हैं, और कुछ अपने आप को इक्वल मानते हैं. जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, जिसमें कुछ लोग एक्वायर होते हैं हायर रैंक्स में और कुछ लोग लोअर रैंक्स में एक्वायर हो जाते हैं. मोर एवर इट डिवाइड्स द इंडियन सोसाइटी इनटू वेरियस लेवल्स एंड लेयर्स. दिस क्रिएट ए हायरार्की ऑफ सर्टेन ग्रुप्स दैट शेयर ए कॉमन लाइफस्टाइल. ये डिवाइड कर देता है इंडियन सोसाइटी को बहुत सारी लेवल्स और लेयर्स में, और इस वजह से एक हायरार्की क्रिएट होती है. जो सिमिलर लाइफस्टाइल हम देखते हैं, जैसे अपर क्लास में होगा वो अपने आप को सिमिलर मानेंगे सेम अपर क्लास के लोगों से मिलके. डेफिनेशंस. ऑगबर्न एंड निंकॉफ कहते हैं, द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर रैंक्ड इन अ मोर और लेस एंड्यूरिंग हायरार्की ऑफ स्टेटस इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन. जो प्रोसेस है जिससे इंडिविजुअल या ग्रुप एक रैंक होते हैं, कोई ज़्यादा है कोई कम है हायरार्की में, उसे स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं. जिन्सबर्ग कहता है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू परमानेंट ग्रुप्स ऑफ कैटेगरीज लिंक्ड विद ईच अदर बाय द रिलेशनशिप ऑफ सुपीरिटी एंड सबऑर्डिनेशन. रेमंड डब्ल्यू मुरी कहते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक हॉरिजेंटल डिवीजन है सोसाइटी का इनटू हाई एंड लोअर सोशल यूनिट्स. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम. कास्ट इज ऑफन एसोसिएटेड विद इंडिया. हिस्टोरिकली द कास्ट सिस्टम इन इंडिया कंसिस्टेड ऑफ फोर वेल नोन कैटेगरीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ण सिस्टम, दैट इज ब्राह्मणास प्रीस्ट, क्षत्रियाज एज वॉरियर्स, वैश्यास एज कॉमर्स क्लास, शूद्रास एंड वर्कमैन. द इंडियन कास्ट सिस्टम इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम. ये जो हमारी इंडियन सोसाइटी है इसमें हम स्ट्रेटिफिकेशन मेनली फोर वर्णास के बेस पे देखते हैं. तो इसी वर्णा सिस्टम से डिसाइड होता है कि जो अपर कास्ट है उनके कुछ स्टेटस और फंक्शंस उनके पेरेंट्स द्वारा उनको मिलता है तो वो एन्जॉय करते हैं, जो कि लोअर कास्ट का पर्सन एन्जॉय नहीं कर पाता है. उसे वो चीज़ें करना अलो नहीं है. अगर ब्राह्मण्स को पढ़ाना अलो है तो वो लोअर कास्ट के पीपल को वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी. क्षत्रिय को अगर वॉरियर है तो वो किसी वैश्या को नहीं दिया जाएगा. तो ये कास्ट सिस्टम एक बहुत बड़ा डिवीज़न क्रिएट करता है इंडियन सोसाइटी में, कि जो काम एक कास्ट का पर्सन करता है वो दूसरे कास्ट के पर्सन को करना प्रोहिबिट है कास्ट सिस्टम में. जो ये कास्ट सिस्टम है ये भेदभाव क्रिएट करता है, और ये
एस्क्राइब्ड स्टेटस पे होता है, मींस आप जिस कास्ट में बॉर्न हुए हो आप लाइफ टाइम उसी कास्ट में रहोगे, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो। अब नेक्स्ट है क्लास सिस्टम, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास सिस्टम। दिस स्ट्रेटिफिकेशन हैपन्स ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन क्लास। दिस मॉडर्न सोसाइटी इज़ अ विक्टिम ऑफ द क्लास सिस्टम द मोस्ट। सिमिलरली इट डिसाइड्स अ पर्सन रैंक इन अ सोसाइटी बेस्ड ऑन इज अचीवमेंट एंड द अमाउंट ऑफ वेल्थ ही पजेस। मीन्स की क्लास सिस्टम में डिसाइड होता है कि किसके पास कितनी वेल्थ है, वो उतना अमीर है, वो उसकी उतनी बड़ी क्लास है। ये सोशल फैक्टर्स और इंडिविजुअल अचीवमेंट पर डिपेंड करता है कि इसमें फैक्टर्स मेनली होते हैं वेल्थ, इनकम, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन। अनलाइक कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम आर ओपन। कास्ट सिस्टम की तरह क्लास सिस्टम डिफरेंट है, क्लास सिस्टम ओपन है, मीन्स कि ये एक रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। इसमें आप फ्री हो कि आप डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन ले सकते हो, एम्प्लॉयमेंट ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है वो सेम हो कि जो आपके पेरेंट्स की ऑक्यूपेशन है, जो आपके पेरेंट्स की एजुकेशन है, वही आपकी भी हो। आप अपनी मेहनत के दम पे, अपनी काबिलियत के दम पे इसको इम्प्रूव कर सकते हो। ये ऑक्यूपेशन फिक्स नहीं होगी बर्थ के टाइम से, इसको चेंज कर सकते हो। जो क्लास आपकी बर्थ के टाइम पे भी होगी उसको भी आप चेंज कर सकते हो। और इसमें यह भी ज़रूरी नहीं है कि आप उसी क्लास में शादी करो जिसमें आप हो, आपकी चॉइस हो, जो आपको कंपेटिबल पार्टनर मिलेगा आप उससे शादी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेडिकल सोशल वर्कर की तैयारी कर रही हैं तो आप हमारे इस चैनल को देखते रहें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अब सोशल इंस्टीट्यूशंस। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.